हेलो फ्रेंड्स, कुक एंड बेक विथ मोना में मैं आज बनाने जा रही हूँ चॉकलेट डीप कुकीज। ये कलरफुल कुकीज आप देख रहे हो, ये बच्चों का फेवरेट होता है और बहुत ही इजी है फ्रेंड्स इसको बनाना। बस आपके पास कुकीज होने चाहिए, चॉकलेट्स होने चाहिए और कुछ स्प्रिंकल्स होने चाहिए जो बच्चों को पसंद है। तो इसे आप बनाए घर पे। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट डीप कुकीज। ये बच्चों का फेवरेट है और बच्चों को खा के मजा आ जाता है। चॉकलेट डीप कुकीज बनाने के लिए हम ले लेंगे कुकीज, डार्क चॉकलेट, कैंडीज और स्प्रिंकल। चॉकलेट को मैं अच्छी तरह से उसको काट दूंगी ताकि ये मेल्ट हो जाए। इसको मैं बारीक काट दी हूँ और इससे ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। मैं चॉकलेट को डबल बॉयलर में मेल्ट करूँगी। तो डबल बॉयलर में मेल्ट करने के लिए इसको एक बाउल में डाल दूंगी। पानी को गैस पे गर्म करने के लिए रख दूंगी। जब ये पानी गर्म हो जाए तो बाउल में जो चॉकलेट मैंने डाला है उसको फिर गैस पे रख देंगे और फिर गैस को सिम कर देंगे। अब धीरे धीरे ये चॉकलेट मेल्ट होने लग जाएगा। आप देख रहे हो कि चॉकलेट मेल्ट होनी शुरू हो गई है। आप इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो। जब ये पूरी तरह अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम गैस बंद कर देंगे। अभी हम इसको चलाते रहेंगे। आप देख सकते हो चॉकलेट अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब इसको थोड़ी और देर तक अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। उसके बाद अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट तक छोड़ देंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट को। अब मैं थिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट ले लूँगी। अब कुकी को ले लूँगी और इसको चॉकलेट में डिप कर दूँगी। चॉकलेट में डिप करके अच्छी तरह टर्न करके फोक की हेल्प से कुकी को चॉकलेट में डिप कर दूँगी। डिप करने के बाद फोक की हेल्प से कुकी को बाहर निकालूँगी और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसको निकाल दूंगी। फिर इसको जो ट्रांसपेरेंट थिक शीट जो आपको बताया था उस पर रख दूंगी। ऐसे ही सभी को डिप कर दूंगी और एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकलने दूंगी। फिर इसको शीट पे रख दूंगी। सारे कुकीज को डिप करके चॉकलेट से निकाल कर हम प्लास्टिक थिक शीट पे रख देंगे और इसके बाद इसमें कैंडी लगा देंगे। प्यारे प्यारे कैंडी बच्चों को बहुत ही पसंद है। ऐसे ही आप अपनी कुकीज़ को कैंडी और स्प्रिंकल्स डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके बाद 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देंगे। 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब चलिए चेक करते हैं क्या हमारा क्रंची चॉकलेट कुकीज रेडी है या नहीं। वाव, कुकीज रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे क्रंची कुकीज रेडी हैं। ये देखो आप अच्छी तरह से आगे पीछे हर जगह से ये अच्छे से चॉकलेट में, जैसे आप देख सकते हो गाइस कि हमारा कुकीज रेडी है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना क्रंची है। सी तो गाइस आप बनाओ घर पे और टेस्ट करो और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ कि आपको ये चॉकलेट डिप कुकीज कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।